Hi everyone, this is Aditya, and today we were going to make a recipe which is going to be very fine. आज ऐसी रेसिपी बनानी है कि जो बहुत एक कंफर्ट फूड लेवल के पास लेके जाए और बहुत टेस्टी हो. तो आज हम बना रहे हैं ग्राइंडर सैंडविच, विच इज़ सपोज टू बी अ सैंडविच जो जिसमें मल्टीपल लेयर्स जाती है, कंफर्ट फूड के हिसाब से भी बहुत अच्छी होती है और वो बहुत न्यूट्रिशियस भी होनी चाहिए. ये ध्यान में रख के हम उस रेसिपी को बना रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. राइट, तो देखिए, सबसे पहले आप मेरे इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए. आई हैव कट अप लॉट ऑफ ग्रीन, फ्रेश ग्रीन्स. इसमें अनियन है, कैप्सिकम है, वी हैव सम अनियन एंड वी हैव एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रीन चिलीज. अभी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी वॉन्ट टू क्रिएट अ काइंड ऑफ रेसिपी जिसमें क्या होता है कि आपका जो एक मेन एसेंस जो उभर के आना चाहिए वो उभर के आना चाहिए. आप आज का जो एकदम सरप्राइजिंग एसेंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले हमने इसको गैस पर रख दिया है. देखिए, वी हैव केप्ट एवरीथिंग ऑन द फ्लेम. अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको स्टार इंग्रेडिएंट जो है हमारे डिश का वो दिखाते हैं. सो दिस इज एक्चुअली नॉट द स्टार इंग्रेडिएंट, बट दिस इज द ब्रेड दैट आई रियली थिंक दैट यू शुड बी सीइंग. ऐसी ब्रेड आपको चाहिए कि जिस ब्रेड में आपको एक लॉन्ग कट मिले और वो थोड़ी फर्म हो, बहुत अच्छी हो. बिकॉज फर्म ब्रेड जितनी रहेगी उतना आपका जो सैंडविच बनने वाला है वो बहुत अच्छा रहेगा. राइट, सो मैंने इसको तो अच्छे से फ्रेशली बेक्ड ब्रेड ली है यहाँ पे. आई विल कीप इट असाइड एंड टेक समथिंग विच इज रियली स्पेशल टू मी ये सैंडविच के हिसाब से. गाइस प्लीज लुक हियर, क्या है ये? दिस इज़ आर ब्रिंजल, जिसको एग प्लांट बोलते हैं, ओबजीन बोलते हैं. बहुत अच्छी चीज़ होती है. एंड क्या होता है ना कि इंडियन कल्चर के हिसाब से हम जनरली इसका सिर्फ बैंगन का भरता बनाते हैं या फिर हम बहुत हो गया तो बैंगन की सब्जी बनाते हैं. बट दिस इज़ नॉट द करंट यूसेज ऑफ दिस थिंग. इसमें क्या होता है कि लॉट ऑफ कल्चर्स यूज़ दिस थिंग फॉर द यू नो फॉर द सैंडविच और फॉर द पास्तास और द लज़ानियास. इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई भी एग प्लांट की रेसिपी बनाने की कोशिश करते हैं, आप इसको थिनली स्लाइस जब करते हैं, उसकी जो कंसिस्टेंसी निकलती है वो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर होती है. एंड विच इज़ इक्विवेलेंट टू एनी काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी. जैसे आप अगर कोई पनीर की डिश बनाते हैं या फिर अगर आप कुछ नॉन वेजिटेरियन डिश बनाते हैं तो उसके जैसी कंसिस्टेंसी होती है. सो मैं सबसे पहले इसको धो के लूँगा. राइट, सो हियर वी आर. जस्ट मेक श्योर दैट यू वॉश एवरी वेजिटेबल परफेक्टली फाइन. देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल जस्ट ट्राई टू कट द स्टेम ऑफ. इसकी स्टेम कट कर ली है हमने. एंड नाउ लुकिंग हियर व्हाट विल ट्राई टू डू इज विल ट्राई टू जेंटली कट slices of this whole brinjal, and it doesn't necessarily need to be very thin, very thick. Aap just try kijiye. Perfect, perfect. So you guys see, this was the basic essence of the thing, but this is what we really want, the kind of थिकनेस दैट वी वॉन्ट आर स्लाइस टू हैव. आप इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, बस जस्ट ट्राई टू बी एज जेंटल एंड एज यू नो क्विक इन योर इंडिवियर एज पॉसिबल. सो आई कट टू स्लाइसिस ऑफ द एग प्लांट. मैं इसको रख देता हूँ. परफेक्ट. सो नाउ एज यू गाइस कैन सी, आई हैव टेकन अ मिक्सिंग बोल. मिक्सिंग बोल में डालने से पहले व्हाट विल ट्राई टू डू इज विल ट्राई टू ऐड सम कॉर्नफ्लावर. देखिए मैंने कॉर्नफ्लावर थोड़ा लिया है. अभी कॉर्नफ्लावर क्यों लिया है, इसका एक बहुत सिंपल रीज़न है.
सी गाइस, क्या होता है ना कि जन वेन एवर यू वॉन्ट टू फ्राई समथिंग, तो उसमें जनरली एक तो अंडा जाएगा, नहीं तो उसमें कुछ कॉर्नफ्लावर जाएगा. अंडा जनरली वी डोंट यूज़, तो उसमें क्या होता है कि कॉर्नफ्लावर से उसको एक कंसिस्टेंसी आ जाती है थिकनेस की, आप उसमें एक बार डिप करते तो सबसे पहले मैं जो मेरा कॉर्नफ्लावर है इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा. आई ट्राई टू बी एज जेंटल एज पॉसिबल वाइल विस्किंग इट. ध्यान रखिए कि आपका जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर होता है वो बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए. शुड बी ऑन द कंसिस्टेंसी जिससे वो अच्छे से कोट हो जाए. राइट, ललिता जी बोलिए, वेरी नाइस, कीप इट अप. थैंक यू ललिता जी. देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि ये ज़्यादा थिक भी नहीं रहेगा और ज़्यादा थिन भी नहीं रहेगा मिक्सचर. अलॉन्ग विद दिस थिंग वी ऑल्सो हैव आर ब्रेड क्रम्स जो मैंने लेके रखे थे. राइट, एंड वी ऑल्सो हैव थोड़ा सा, मैंने क्या कहा था, जो पोहा होता है हमारा, जो पोहा होता है पतला पोहा हो या फिर थोड़ा जाड़ पोहा हो, पोहे को आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे तो आपको एक पैंको की काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी मिल जाती है, तो वो मैंने बना के रखा है. राइट, सो व्हाट आई डू इज़ मैं इसको भी बाजू में रख देता हूँ. आपको बस इतना करना है कि एज सुन एज यू रियलाइज कि आपका एक जो मिक्सचर है वो थोड़ा थिकन अप हो जाता है, ये जो हमारा ब्रिंजल की शीट होती है, राइट, इसको आप सबसे पहले इसमें डुबाएंगे. विल ट्राई टू कोट इट अप अच्छे से. और जैसे ही ये कोट हो जाते हैं देन विल ट्राई टू पुट इट अप विद द पैनको मिक्सचर. पैनको का मतलब वही होता है कि आपका बेसिकली एक ब्रेड क्रम का मिक्सचर होता है. आप इसको अच्छे से कोट करेंगे. यू हैव टू मेक श्योर कि वो अच्छे से कोट हो जाए हर डायरेक्शन से. राइट, बिकॉज यही तलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको आपकी रेसिपी के लिए. राइट, सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू हम क्या करेंगे, हमारा पैन ऑलरेडी हीट अप हो गया होगा. विल जस्ट ऐड सम ऑयल. सम फ्रेश अमूल बटर, बिकॉज अमूल बटर के सिवा इसमें जो क्रीमीनेस मुझे जो चाहिए वो आएगी नहीं. सो विल जस्ट ऐड सम अमूल बटर इन टू दिस होल थिंग. राइट, और इसमें ये जो मैंने कोट किया हुआ, जो पैन को मिक्सचर से कोट हुआ हुआ जो बहुत अच्छा मिक्सचर है, इसको मैं फिर से पोहे के साथ, पोहे वाला जो मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा पतला पोहा या फिर जो जाड़ पोहा होता है उस पर भी आप कोट कर लीजिए. एंड एज यू गाइस कैन सी इसमें बस इसको रख दूंगा एंड आई विल जेंटली लेट इट फ्राई. एंड मी वेल व्हेन दैट थिंग इज हैपनिंग आई एम अगेन कोटिंग अनादर पीस ऑफ ब्रिंजल. इसको जैसे मैंने बोला था कि इसको मैं थोड़े सबसे पहले हमारा जो कॉर्नफ्लावर मिक्सचर है इसमें कोट कर दूंगा एंड देन आई विल जस्ट कोट इट विद अ पैनको मिक्सचर विद सम पोहा मिक्सचर. अब पोहे की मैंने क्यों बात की इतनी बार, बिकॉज पोहा क्या होता है ना, नेचुरली अकरिंग है हमारा है हाउस होल्ड का इंग्रेडिएंट जो बहुत इजीली मिल भी जाता है, क्योंकि हमारे हर इंडियन हाउस होल्ड में पोहा तो होता ही है. आपके पास जाड़ पोहा हो या मोटा पोहा हो या फिर आपके पास थोड़ा सा पतला पोहा हो जो चूड़े के लिए यूज होता है, लेकिन एनीवे यू हैव द पोहा विथ यू. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाइल यू आर फ्राइंग द एग प्लांट इज दैट कि आपको इसको फ्रीक्वेंटली नहीं लेकिन आपको इसको फ्लिप करते रहना है. सी द गोल्डन टेक्सचर आउट देयर, दिस इज द गोल्डन टेक्सचर वी आर लुकिंग फॉर. और इसको अच्छे से हम होने देंगे. मैंने अभी फ्लेम को हाई हीट पे रख दिया है ऑलरेडी एज इट इज. एंड व्हाइल दिस थिंग इज हैपनिंग आई टेल यू मोर अबाउट द सैंडविच. सो द सैंडविच दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज अ काइंड ऑफ सैंडविच जो बहुत लग्जूरियस होना चाहिए उसके पूरे इंडिवियर में.
तो व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू मेक द सैंडविच एज इंडल्जिंग एज पॉसिबल, जिसमें क्या होता है कि जो सैंडविच होता है वो कंज्यूमेबल भी बहुत अच्छे से हो, उसमें चीजीनेस परफेक्ट अमाउंट में हो, उसमें वेजिटेबल्स अच्छे अमाउंट से हो, एंड दैट इज़ द प्राइम एसेंस ऑफ द सैंडविच दैट वी ट्राइंग टू क्रिएट टुडे, राइट। तो देखिए अब मेरा ये जो सैंडविच बनाने की कोशिश में, देखिए मैं कोशिश कर रहा था, तो इसमें देखिए ये परफेक्ट जो गोल्डन एसेंस होता है, दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। See, actually, what happens with sandwich is that sandwich की एक basic एक जो एक definition बन गई है कि बस आप cheese slice डाल दीजिए और वो उसमें कुछ टमाटर डाल दीजिए, कुछ प्याज डाल दीजिए, that is it। वैसा नहीं, we are trying to create a sandwich which is an authentic sandwich, जो एक authentic way से sandwich को खाया जा सकता है as a foot long or maybe a half sandwich। तो वैसे type का हमको sandwich बनाना है। एंड एज यू गाइस कैन सी, देखिए ये दोनों टाइप से अभी दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प हो गया है। सो व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू कीप इट अप हियर, और दूसरा जो मेरा पीस है उसको मैं अभी रख देता हूँ फ्राइंग के लिए। एंड मीनवाइल व्हेन द सेकेंड पीस इज बीइंग फ्राइड, हम शुरुआत करते हैं हमारी असेंबली की। So yes, as you guys can see, देखिए ये होते हैं इंग्रेडिएंट्स हमारे बेसिक असेंबली के, जिसमें हम जैसे हम इसमें पूरी सैंडविच की हमारी प्रोसेसिंग को पूरा करेंगे, राइट। एंड हियर यू गाइस कैन सी, देखिए मैं इसको पूरा फ्लिप कर रहा हूँ, देखिए एक टाइप से पूरा गोल्डन हो गया एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी गोल्डन हो जाएगा। और अर्चना जी, लविंग योर रेसिपी। थैंक यू अर्चना जी। एंड गाइस आई रियली वॉन्ट टू मेक दिस श्योर, आपको ये बात बतानी है कि देखिए बैंगन का भरता हम लोग खाते हैं, हम बैंगन की सब्जी खाते हैं, लेकिन बैंगन एज इट इज़ जितना वो उग्र लगता है हमें वैसा उग्र नहीं होता है अगर आप उसको एक सैंडविच के वे में बनाते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप उसको थोड़े अच्छे से फ्राई कर लें। अब फ्राई नहीं करते हम लोग, इसको शैलो फ्राई कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है उसका जो पंजननेस होता है वो निकल जाता है ऑलरेडी। तो आप ये जो चीज़ खाएंगे तो उसमें आपको लगेगा नहीं कि आप बैंगन कुछ खा रहे हैं सैंडविच में, राइट। एंड दिस इज़ अ रेसिपी जो इटालियन कल्चर से बहुत सालों से खाई जा रही है, राइट। तो इसलिए जस्ट मेक श्योर दैट आप ऐसे पतले स्लाइसेस करके उसको एक बार थोड़े से अच्छे से यूज़ करेंगे आपके सैंडविच के लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग असेंबली की तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले व्हाट विल ट्राई टू डू इज विल ट्राई टू शो यू हाउ द ब्रेड शुड बी कट। देखिए ये होती है हमारी ब्रेड, राइट, फर्म क्रिस्पी अमेजिंग, राइट। देखिए अभी ये एक फ्रेंच ब्रेड की तरह बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होगी, उसके लिए आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी ब्रेड को कट करेंगे तो जो ब्रेड होनी चाहिए आपकी वो एटलीस्ट थोड़ी सी ऐसी हो कि मोल्डेबल हो। तो मैं सबसे पहले तो आखिर का जो एरिया होता है उसको निकाल देता हूँ इससे, फ्रॉम बोथ द एंड्स। उदय जी बोल रहे हैं, हेलो उदय जी। एंड व्हाट वी डू आफ्टर दिस थिंग इज इसको हम हाफ में कट कर लेंगे सबसे पहले, परफेक्ट। देखिए राइट, वंस वी हैव कट द ब्रेड इन हाफ, व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज जो हाफ कट किया है उसको थोड़ा सा हम बीच में स्लिट करेंगे। और देखिए आपको इस ब्रेड को आपके जनरल या फिर नॉर्मल सैंडविच या फिर बर्गर जैसा बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है वो दोनों साइड से। जस्ट नीड वन थिंग कि आपका जो अंदर का एरिया हो वो थोड़ा मॉइस्चराइज हो, जैसा है मेरे पास। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो थोड़ा बटर लगा के रख देते हैं इस चीज़ को, सो दैट जब ये कुक होगा
और जब हम लोग इसको कंज्यूम करेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। सबसे पहले बाइट में आपको अगर क्रीमीनेस आता है, यू रियली एड्स अप और लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन योर ईटिंग, दैट्स इट। एंड एज यू गाइस कैन सी, देखिए इसमें गार्लिक के बिट्स हैं, दिस इज अ गार्लिक ब्रेड, परफेक्ट। एंड वंस वी आर डन विद दैट, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अब इसमें मैंने बटर लगा दिया है, मैं सबसे पहले बस थोड़े से टमेटोज के स्लाइसेस लगाऊंगा, एंड देन आई हैव अ काइंड ऑफ सॉस जिसको एक्चुअली इट्स अ बेशमेल सॉस, एज यू गाइस माइट नो, कि मैदा लेना चाहिए आपको। आपको क्या करना है कि बेशमेल सॉस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मैदा लेना है, आपको उसको पहले सबसे पहले रोस्ट कर लेना है, उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप उसमें दूध डालेंगे, और दूध डालने के बाद उसको फटाफट स्टर करेंगे, और उसके बाद उसमें आप चीज़ डालेंगे। इससे क्या होता है कि वो चीज़ सॉस बन तो जाएगा लेकिन वो जलेगा नहीं, राइट। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव क्रिएटेड, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी आई विल शो यू गाइस। देखिए कितना थिकनेस है, एंड दिस इज़ प्योर चीज़, और ये ऐसे टाइप की जो रेसिपी होती है उसमें आप दोनों साइड से थोड़ा सा बेशमेल सॉस लगाएंगे, जस्ट लीव इट हियर। आफ्टर द टमेटोज एंड बेशमेल सॉस हम क्या करेंगे, थोड़े कैरेमलाइज्ड अनियंस। अभी अनियंस को कैरेमलाइज कैसे करना है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल रेसिपी। अनियंस को कैरेमलाइज करने के लिए बहुत सिंपल रेसिपी, आपको क्या करना है कि पहले सबसे पहले तवे को बहुत गर्म कर लीजिए, उसमें थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी आधे से आधी चम्मच थोड़ी सी शुगर डालिए, उसको कैरेमलाइज होने दीजिए, और उसमें फटाफट आपका जो फाइनली चॉप अनियन होता है उसको स्टर फ्राई कर लीजिए, तो ऐसा ब्राउन हो जाएगा आपका अनियन एट द एंड ऑफ इट, और जो जलेगा भी नहीं लेकिन एक कंसिस्टेंसी लेके आएगा स्वीटनेस की, एज वेल एज उसका जो एक टेस्ट होता है अनियन का उसकी। जस्ट मेक श्योर दैट यू ऐड इनफ। ये होने के बाद हम डालेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च क्यों डाल रहा हूँ, इसका एक रीज़न यही होता है कि शिमला मिर्च से उसको एक जो एक टेंगिनेस होना चाहिए वो आ जाता है। मैंने क्या किया कि सिरके में एज इन विनेगर में मैंने थोड़ी सी चिलीज को हमेशा मैं रखता हूँ कि कभी भी इच्छा हो तो हम उसको यूज़ कर सकें, तो मैं सबसे पहले सिरके वाली जो हमारी हरी मिर्च है उसको डालता हूँ, और सिरके वाली लाल मिर्च को एक रख देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। एंड देन दिस अपर पार्ट विच आई हैव, उसमें मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा टमेटो केचप लगाऊँगा। इफ़ यू डोंट हैव टमेटो केचप, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू यूज़ टमेटो केचप, यू कैन गो अहेड विदाउट यूजिंग इट। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो ऊपर का जो बेशमेल सॉस है उसके साथ इसको मिक्सअप करके आई एम ट्राइंग टू कोट इट, सो दैट जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो बहुत टेस्टी और अच्छे से आपको दिख जाए। परफेक्ट, नाइस। एंड देन जो आपका बेस पार्ट होता है उसमें आप थोड़े से कच्चे अनियंस डाल सकते हैं, मैंने थोड़े से डाल दिए, दैट्स प्रीटी मच इट, राइट। एंड देन नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द असेंबली सेक्शन, बट बिफोर वी स्टार्ट द असेंबली व्हाट आई ट्राई टू ऑल्सो टेल यू गाइस इज दैट कि थोड़े ग्रीन्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग योर ग्रीन्स। हम तो यार इंडिया के हैं, तो हम व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू यूज सम कोरिएंडर, फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर, एंड देन विल कीप द फर्स्ट लेयर ऑफ आर एग प्लांट ओवर हियर, एड सम केचप, because by itself eggplant has no flavor, one small sirke wali hari mirch, sirke wali lal mirch, thode se onions, and then again one thing, again the second layer of our eggplant just to go on top of that, and we'll use our bechamel sauce in this endeavor. Isme hum kya karenge, wo jo bechamel sauce humne pehle liya tha
उसको फिर से थोड़ा सा डाल देंगे इसमें, यू डोंट हैव टू ऐड टू मच. अभी इसमें हमने क्या किया, हमने मेयोनीज जैसी कोई चीज़ यूज़ नहीं की है इसमें, हमने बस बेशमेल सॉस बनाया. और बेशमेल सॉस की रेसिपी आपको मैंने बता दी थी. क्या होता है कि आपको बस मैदा लेना है, थोड़ा सा दूध और पानी के साथ घोल लेना है, और उसमें फिर बाद में चीज़ डालना है. और जैसे ही वो हो जाता है, सो यू विल हैव योर बेशमेल सॉस एक करेक्ट टेम्परेचर पे. वी आर जस्ट स्प्रेडिंग द सॉस एंड देन वंस यू आर डन विद दैट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम इसमें थोड़ा सा ये जो मिक्सचर है ना सिरके वाला जिसमें चिली होती है, जस्ट ट्राई टू एड इट अप बिट हियर, जिससे इसको एक मॉइस्चर भी मिलेगा. एंड नाउ व्हाट विल डू इज विल जस्ट एड दिस थिंग अप. यू गाइस आर फ्री टू यूज वट एवर कंसेप्ट दैट यू वॉन्ट टू यूज. यू कैन एड योर यू नो मस्टर्ड सॉस और एनीथिंग लाइक दैट, और वो बहुत अच्छा बनेगा डेफिनेटली. सो वंस आई प्लेट दिस देन आई विल शो यू हाउ इट इज सपोज टू बी. देखिए आप इसको थोड़ा सा दबाएंगे, यू कैन सी द मॉइस्चर कमिंग आउट ऑफ इट. बस इतना ही हम इसको रखेंगे एंड देन विल ट्राई टू प्लेट इट. Just add up few slices of tomatoes, some green coriander to go with it, and voila, we are done with it. So this was my take on the vegetarian aspect of the grinder sandwich. बहुत अच्छा sandwich होता है, बहुत अच्छा होता है. और जैसे eggplant मैंने बोला जिसको हम brinjal कहते हैं, बैंगन कहते हैं, उसको जनरली हम यूज़ नहीं करते सैंडविच में, बट दिस इज़ अ न्यू टेक ऑन दैट थिंग. और आप एक बार ज़रूर बना के देखिए और बहुत टेस्टी होगी वो रेसिपी, राइट. सो आई होप यू गाइज विल विजिट माई रेसिपी एंड प्लीज़ लेट मी नो कि ये रेसिपी कैसे बनी है. थैंक यू वेरी मच.